मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग रेडी हो गए हैं, जाते तो एक दो दिन छोड़ के जाते ही हैं, बट आज मैं ब्लॉगिंग करना चाह रही थी, मेरा मन कर रहा था, तो बस इसलिए मैंने ब्लॉग शूट कर लिया है। तो हम लोग जा रहे हैं पार्क बाबू को लेके, क्योंकि बाबू अंदर ही रहता है तो थक जाता है, तो उसे घुमाने ले जाते हैं। तो मैं और मेरे हबी, तो हम दोनों लोग जा रहे हैं, और थोड़ी दूर है बट बच्ची को लेके पैदल जाना थक जाएंगे, इसलिए बाइक से जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ, आप लोग भी इंजॉय करिए। और आई थिंक कुछ लोगों का डिनर हो गया होगा और कुछ लोगों का डिनर अभी नहीं हुआ होगा, तो मैंने डिनर की जो भी थी प्रिपरेशन कर ली है, बस आके डिनर करना है, थोड़ा सा काम रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए मेरे साथ, आप लोग भी घूमिए और इंजॉय करिए। और गर्मी के दिन में थोड़ा अंदर ही रहना होता है पूरे टाइम, और बाहर जाने में अच्छा भी लगता है। सो फ्रेंड्स चलते हैं, चलो चलो बाबू घूमने करने चलेगा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? एकदम मैं पार्क जा रहा हूँ घूमने करने। पार्क जा रहे हो? कौन से पार्क? ये नहीं पता, पास में ही है पार्क। चलो चला जाए, बाइक से चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं पार्क में, ये है पार्क का गेट। तो यहाँ से जा रही हूँ मैं अंदर बाबू को लेकर, और मेरे हबी पीछे से आ रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ से मैं जा रही हूँ, और धीरे धीरे यहाँ से जाने के बाद में मैं जाऊँगी जिम एरिया, जहाँ पर मेरा कविश यानी कि मेरा बेटा वहाँ पर खेलता है, और हम खिलाते हैं तो बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। बहुत सारे वहाँ पर बच्चे हैं, आप लोग अभी देखिएगा, तो इस वजह से वो भी बहुत हैप्पी रहता है। तो बस वहीं पर मैं इसको ले जा रही हूँ, और ये आगे से जाके कॉर्नर से ही टर्न होकर फिर सीधे मिल जाता है। तो बस यही मैं हबी को देखती जा रही हूँ कि कहाँ आ रहे हैं, शायद वो पीछे आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर अंकल कर रहे हैं, तो ये सारा जिम एरिया है। तो ये देखिए कितना खुश है, मैं इसे झूला झूला रही हूँ बच्चों के उसमें, और इसे थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है क्योंकि इस टाइम पर ये सोता है। तो ये देखिए, ये पूरा जितना ग्राउंड है ये पूरा एरिया जिम का है। यहाँ पर कई तरीके की मशीनें लगी हैं, आप देख सकते हैं, और मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय करिए। हेलो हेलो बोलो, हेलो बोलो, हाय। हेलो, मैं हूँ आपका अपना कवि शैल रवि कवि। बैठना खाली, बैठो क्या दर्द होने लगता? लाओ हम ले ले, तुम वीडियो बना। कविश के डैडी, तो ये कशु को झूला झूला रहे हैं। कैसा लग रहा है बाबू?
इनको निन्नी आ रही है इनका, क्योंकि टाइम है ये जबरदस्ती में जग रहे हैं, पर खुश बहुत हुए हैं जैसे ही आए थे। ये देखिए क्या हुआ बाबू, मजा आ रहा है? निन्नू आ रही क्या? निन्नू आ रही है, निन्नू आ रही है। अच्छा तुम्हें निन्नू आ रही है। जितनी भी यहाँ पर एक्सरसाइज मशीनें लगी हैं तो हम इन्हें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अभी से, क्योंकि अभी से इंट्रोड्यूस करा देंगे तो ये आगे चल के बड़े हो के इसी में खेलेंगे, तो चीज़ों को पहचानेंगे। तो कभी कभी मन करता है तो आ जाते हैं, है पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। ये देख इनका मन नहीं लग रहा है, नींद आ रही इस वजह से। कशु बेटू, अरे 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 कहाँ जाना है? अरे चलो दूसरे में। देखो देखो ये छोटी सी गुड़िया, अरे पानी पी रही मम, पी रही मम। दीदी है बाबू, देखो दीदी घूम रही है मस्त। तो सही बात है। इधर देखो, इधर देखो बेटू, अली मम्मा इधर है, इधर वो, इधर है मम्मा, इधर है, इधर है मम्मा, मम्मा इधर है, मम्मा इधर है, भाई इधर है, इधर है मम्मा। अरे ऐसे घूम कर लेती है, अरे ऐसे घूम कर लेती है, अरे वाह, अरे वाह भाई वाह, भाई वाह भाई। बाबू की बॉटल नहीं लाए मम वाली, थोड़ी देर के लिए आने। देखो दीदी हैं, दीदी बोलो हाय, हेलो बोल दो दीदी से, हेलो हेलो बोल दो दीदी, हेलो बोल दो। मैं यहाँ पर कर रही हूँ साइकिलिंग, तो ये देखिए ये साइकिलिंग है, तो इस तरह से इसमें करते हैं। तो मैं लगा देती हूँ इसमें म्यूजिक। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सेकेंड वाली एक्सरसाइज, आप देख रहे हैं इस तरह से पैर में करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे साथ एक बॉय है वहाँ पर, तो वो कर रहा था कि दीदी मैं भी करूँगा, तो वो मेरे साथ एंजॉय कर रहा है, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है घर के बाहर जाने में, थोड़ा सा इन्जॉय करने में। इनकी देखिए लड़ाई चल रही है, अरे ये जो छोटी सी हैं ये बहुत करने नहीं दे रही थी बिल्कुल किसी को, बोली अरे हटो हटो मेरी है मैं करूँगा, मतलब किसी में भी नहीं करने दे रही थी, यही बोल रही थी मैं करूँगा मैं करूँगा। Oh, 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 oh,
जिम एरिया। यहाँ पर बच्चे सभी लोग करते हैं, बच्चे बड़े, और आप देख रहे हैं ये जो भी पूरा एरिया है ये जिम एरिया है। इस तरीके से इसमें ये एक सेपरेट बना हुआ है, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें हैं इसमें। ये भी है, ये देखिए राउंड राउंड इसको हैंड से मूव करते हैं। एंड ये है, ये सारी आपको दिखे, ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक 9 बज रहा है, तो इसलिए सभी लोग घर भी चले गए। और देखिए यहाँ पर बच्चे रैकेट वगैरह खेल रहे हैं, ये देखिए। और मेरा बच्चा अभी सो गया है, तो ये है इसका गेट, ये देखिए, ये है, यहाँ से जाते हैं अंदर। ये देखिए सिटिंग एरिया भी है, और मिली बाबू बैठे भी हैं, हैं? इनको बड़ी बैठने में मजा आती है। है इसका मेन गेट, और यहाँ से हम लोग आते हैं। ये देखिए एक लोग आ रहे हैं, और ये इसके दो हैं इस पार्क एरिया। ये देखिए एक ये है एंड एक ये है। तो यहाँ पर जिम है एंड थोड़ा सा ग्राउंड भी है। ये देखिए ये जिम एरिया है एंड थोड़ा सा ग्राउंड है। ये देखिए बाबू हमारे सो गए हैं, तो इनको हैंग कर लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, अपना बैडमिंटन है एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, लेकिन अभी नाइट है इस वजह से भीड़ कम हो गई है। तो बस हम भी वॉक करने जा रहे हैं वॉक। तो मैं और ये देखिए कविश के डैडी, दोनों लोग वॉक करने जा रहे हैं। तो हम दिखाते हैं वॉकिंग एरिया, चारों तरफ से काफ़ी डिस्टेंस से लेके बना है ये। तो यहाँ पर ये ऐसी रोड जैसी है, तो पार्क के आसपास ये पार्क है, और यहाँ आसपास इसके सभी लोग वॉक करते हैं। तो फिलहाल हम कर रहे हैं अभी वॉक। इनका मुंह हो रहा है क्या, नींद में लीन है। हमारे सो जाते हैं, इनकी आदत है इतने टाइम सोने के, 10 बजे उठेंगे फिर इनका 1:30 बजे तक चालू रहेगा। ये देखें इन बच्चों की लड़ाई, के बगल में ये है। देखिए ये थोड़ा सा इस तरह से बना है, जैसे बारिश हो गई घूम रहे हैं तो यहाँ पे आके रुक सकते हैं, ये सुबह सुबह योगा कर सकते हैं, और टहलने का भी है बारिश में। तो ये थोड़ी सी इतने सेपरेट जगह है, तो ये देखिए बाकी यहाँ पर ये है। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगी एक पीपल का पेड़ है, जो कि इतना सुंदर लगता है देखने में, पीपल नहीं बरगद है। तो ये देखिए बहुत ही पुराना बरगद है, ये देखिए, और यहाँ पे मुझे बहुत सुंदर लगता है ये। ये लाइट की वजह से कम आ रहा है, बट बहुत ही सुंदर लगता है ये देख, पूरा मतलब लाइट है इस वजह से उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ये देखिए हो गया है हम लोगों को, और मैं थक भी गई हूँ, बस एक दो राउंड और लगाएंगे, इसके बाद में हम चलेंगे घर, भी घर जा कर खाना भी बनाना है। तो बस काफ़ी तैयारी करके आ गई थी मैं, दाल और राइस बना दी थी और आटा लगा के रख दिया था, बस जाके रोटी सेकनी है, तो ज़्यादा काम नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो है ही। ये देख कैसा लग रहा है, मज़ा आ रही।
एक्चुअली मैं बाबू रोने लगता है घर में, एक ही रूम में रहता है या तो दूसरे रूम में रहता है, तो गर्मी इतनी पड़ती है तो बाहर भी नहीं निकलता। इसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा शाम को आ जाते हैं। मैंने हर रोज़ ब्लॉग नहीं बनाया, बट आज मेरा मन किया कि ब्लॉग बना लें, थोड़ा लाइफ का जो भी चल रहा है रूटीन वो आप लोगों के साथ शेयर कर दें, तो बस इस चक्कर से मैंने आज ब्लॉग बना लिया। देखिए यहाँ पर सिटिंग एरिया है, ये देखिए दोनों पार्क में ही है। काफ़ी अंधेरा हो गया है, पार्क के चारों ओर सिटिंग एरिया है। तो मैंने पार्क का नाम नहीं बताया था, तो ये है गजानन पार्क जो कि केकेपुरी में है। तो बस अभी जा रहे हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया है, इनकी निन्नी पूरी हो गई है। हेलो हेलो, निन्नी पूरी हो गई, निन्नी पूरी हो गई, ये तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। निन्नी पूरी हो गई बेटू जी, हमने को पता नहीं क्या बात है। इनकी निन्नी खुल गई है, तो अब इन्हें हम वॉक करा रहे हैं। हेलो, कैसा लग रहा है? Hello, कैसा लग रहा है बेटू? सेल्फी से लग रहा है, पार्क में आके कैसा लग रहा है बाबू बताओ? Hello, बताओ कैसा लग रहा है? बाइक ये देखिए, कितनी बाइकें खड़ी, कार भी खड़ी है। घर जा रहे हैं रास्ते में, ये देखिए बाइक चला रहे हैं। ये क्या है, कमल चौराहा है? तो अभी हम वापस आ रहे हैं घर, तो बस थोड़ी दूर पे ही मेरा घर है, अभी मिल जाएगा जस्ट। तो आप लोग चलिए, सभी लोग डिनर करिए, डिनर करने के बाद में सोइए। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरा वीडियोस कैसा लगा है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।